हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति तिवारी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसका हम प्रैक्टिस पेपर 6 कर रहे थे, जिसका कि मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। सो जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियो में उनको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर जो 6 है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमने 1 to 60 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, एंड हम यहाँ 61 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61, विच इनहैबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड एडमायरर ऑफ ऑड्री डच स्टोन रूडली डिसमिस। यानी कि किसको जो ये क्वेश्चन एक्चुअली एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है शेक्सपियर की उससे है। तो टच स्टोन किसको रूडली डिसमिस करता है, फॉरेस्ट ऑफ जो एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट है आर्डन उससे। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, विलियम। विलियम वहीं वहीं का रहने वाला है, तो उसको वो रूडली डिसमिस करता है क्योंकि वो जो है ऑड्री से शादी करना चाहता है। तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विद हुम डज ऑलिवर फॉल इन लव विद इन एज यू लाइक इट। किसके प्यार में ऑलिवर पड़ जाता है, तो ये एलिना है। एलिना के प्यार में वो पड़ जाता है। एलिना रोजालिन की बहन है, और जो कि एलिना के रूप में वो डिस्गाइज है, जो उसका रियल नेम है वो सीलिया है। क्वेश्चन नंबर 63, टू वॉट डज रोजालिन कंपेयर द डिक्लेरेशंस ऑफ लव फ्रॉम ऑर्लैंडो सिल्वियस एंड फीवी। रोजालिन क्या कंपेयर करती है, रोजालिन किससे कंपेयर करती है, ऑर्लैंडो सिल्वियस एंड फीवी को। वो कंपेयर करती है द हॉलिंग ऑफ इरिस वॉल्स, इनसे वो उसको कंपेयर करती है उनके प्यार को। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाई डज ड्यूक फ्रेडरिक अबेंडन हिज प्लान टू माउंट एन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर। यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक है जो, वो अबेंडन कर देता है अपना प्लान एक अटैक करने का ड्यूक सीनियर के ऊपर। यानी ड्यूक सीनियर उसका भाई है और रोजालिन का फादर है, उस पर वो अटैक करना चाहता था पहले, लेकिन वो उसको अबेंडन कर देता है। क्यों, तो आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि वो एक एक है ना उससे मिलता है, रिलीजियस मैन यानी एक महात्मा टाइप के आदमी से वो मिलता है, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो युद्ध का विचार त्याग देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 65, हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट इन एज यू लाइक इट। यानी कौन डिसाइड करता है कि वो रिटर्न कौन डिसाइड करता है कि वो रिटर्न नहीं होगा कोर्ट में, वापस घर नहीं जाएगा। सो दिस इज़ जैक्स। क्वेश्चन नंबर ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जैक्स है जो कि नहीं चाहता घर वापस लौटना। क्वेश्चन नंबर 66, द टाइटल ऑफ 12th नाइट रेफर्स टू द, ये जो टाइटल है इसका 12th नाइट प्ले का, ये किसको रेफर करता है, ये करता है ईव ऑफ एफिमेनी। ईव ऑफ एपिफेनी, यहाँ से इसका टाइटल लिया है। एक फेस्टिवल होता है ब्रिटिश क्रिश्चियन लोगों का, और उसी से ये 12th नाइट टाइटल लिया है, क्योंकि इसका जो आखिरी दिन होता है ना वो 12वें दिन होता है ना, तो उस 12वीं रात को एफिमेनी कहा जाता है बेसिकली। तो 12th नाइट का मतलब है 12वीं रात। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 67, 12th नाइट और वाट यू विल इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बी रिटन अराउंड। यानी ये है कि जो 12th नाइट अभी मैंने बताया 12वीं रात, या इसका एक और सब टाइटल यहाँ मिलता है देखने को, और वाट यू विल
दोनों इसके ही टाइटल हैं, इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी। ये कॉमेडी कॉमेडी कैसी है, रोमांटिक है भाई, विलियम शेक्सपियर, जो कि कंपोज्ड कब की गई, तो वो कंपोज्ड की गई थी ये 1601 से लगभग लगभग 1602 के बीच में, ये इसका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 68, विच प्ले ऑफ ऑफ शेक्सपियर सेंटर्स ऑन द ट्विंस वायला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन ए शिपरेक। यानी कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो कि इर्द गिर्द घूमता है वायला एंड सेबेस्टियन के, जो कि एक शिपरेक के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं और एक शिपरेक की दुर्घटना होती है, उसमें ये दोनों बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा कौन सा प्ले है? तो ये प्ले है 12th Night। ये 12th Night के ही क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 12th Night बोरोज मैनी कन्वेंशंस फ्रॉम डैश एंड इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी। यानी इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी से मैनी कन्वेंशंस ने लिए हैं, तो किससे लिए हैं ये आपको बताना है। सो कॉमेडिया डेल आर्टे, ए यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, कॉमेडिया डेल आर्टे, ये जो है इटालियन कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 70, शेक्सपियर प्रोबेबली रोड 12th Night ऑफ हिज कैरियर। ये जो 12th Night कॉमेडी है, ये शेक्सपियर ने अपने कैरियर के कौन से टाइम फेज में, मतलब कौन से टाइम पीरियड में लिखी थी, मिडिल में, लास्ट में या फिर बिगनिंग में? तो ये लिखी गई है इन द मिडिल, मिडिल पीरियड में लिखी गई है, ना तो एंड में है ना शुरू में है। व्हाट इज़ 12th Night अल्टरनेट टाइटल, इसका अल्टरनेट टाइटल क्या है? जैसे अभी मैंने बताया था, इसका अल्टरनेट टाइटल है व्हाट यू विल। व्हाट हॉलीडे इज द टर्म, व्हाट हॉलीडे इज द टर्म 12th Night प्रोबेबली ए रेफरेंस टू। कौन सा मतलब होलीडे, क्या क्या फेस्टिवल या होलीडे मनाया जा रहा था इसके दौरान? तो ये एफी मनी की टाइम की बात है ना, उसी से तो ये लिया गया है 12th Night। सो क्वेश्चन नंबर 73, अलोंग विद एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस 12th Night इज रेफर टू एज वन ऑफ शेक्सपियर सो कॉल्ड प्लेस। ये किस तरह के प्लेस माने जाते हैं? ये हॉलीडे माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मैनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्ले सीम्स टू बी ड्रोन फ्रॉम विच अर्लियर वर्क। किससे? मैनी ऑफ द मतलब मैनी ऑफ द एलिमेंट्स, बहुत से तत्व तो इसके लिए जाते हैं, विच अर्लियर वर्क, किससे लिए गए हैं? तो ये जो है इटालियन ग्लिंग एनआरटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाई डज वायला डिसगाइज हर सेल्फ एज ए मैन। वायला अपने आप को क्यों डिसगाइज करती है? तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, टू फाइंड वर्क, क्योंकि वो एक लड़की थी और वो अपने भाई से बिछड़ गई थी शिपरेक के दौरान, तो उसको काम कैसे मिले, इसलिए वो काम ढूंढने की वजह से अपने आप को डिसगाइज कर लेती है। क्वेश्चन नंबर है 76, हु इज़ ट्राइंग टू कोट कोट ओलिविया, कोट ओलिविया एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्ले के बिगनिंग में कौन ओलिविया को कोट करना चाहता है, कोट मतलब उसका दिल जीतना चाहता है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये दो लोग थे, एक तो ड्यूक ऑर्सिनो था और एक सर एंड्रयू ऑक्चीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, हु ट्रिक्स मालवोलियो इन थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम। यानी कौन उससे मजे लेने के लिए ये सब प्लानिंग करता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है, मालवोलियो से ये लोग एक प्रैंक करते हैं मिलके, एक्चुअली कुछ लोग इस प्ले में, तो वो कौन है? तो उसकी जो मेन पार्ट करेक्टर है वो है मैरिया, मैरिया करती है बहुत बड़ा उससे प्रैंक। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ कैन ऑर्सिनो अफेक्शंस टूवर्ड ओलिविया वी डिफाइंड। यानी किस तरह का जो ऑर्सिनो का जो प्यार है, अफेक्शन है टूवर्ड ओलिविया, ओलिविया की तरफ, वो कैसा है? सो ये है ऑब्सेस्ड विद लव इट सेल्फ, यानी एक तरह से बीमारी है, यानी कि जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ होने लगती है तो वो एक बीमारी हो जाती है, तो उसी तरीके का प्यार है उसका, वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, जबकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता और वो पागलों की तरह बस एक साइड से किया जा रहा है। सो ऑब्सेस्ड विद लव इट सेल्फ, वो बीमार है उसके प्यार में। क्वेश्चन नंबर 79, हु इज़ ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर। तो जो ओलिविया है वो इस प्ले में किसके लिए मॉर्न करती है? स्टार्टिंग में पता चलता है कि वो किसी के लिए मॉर्न कर रही है,
तो पता चलता है कि वो अपने भाई के लिए मॉर्न कर रही होती है, वो हाल ही में जिसकी डेथ हुई है, और वो एक कसम खाती है कि वो किसी अदर पुरुष से नहीं मिलेगी 7 साल तक आने वाले टाइम में। वॉट वेस्ट डिस्क्राइब स्मॉल वॉल्यूज करेक्टर। अब एक मालवोलियो एक करेक्टर है जो ओलिविया के घर में ही काम करता है, तो उसके करेक्टर में क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। तो एन इफिशियंट स्टीवर्ड, प्रिगिस एंड हॉटी। सो फ्रेंड्स, ये दोनों विशेषताएं उसके करेक्टर में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर दैट अनजस्टली हार्म देयर रेपुटेशन, है ना, और एंड यूजली कंस्टिट्यूट ए टॉर्ट और क्राइम। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो फॉल्स है और अनजस्टिस है और किसी की रेपुटेशन मतलब, और वो बोला जाता है और जिससे उसकी किसी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, हार्मफुल है किसी की रेपुटेशन के लिए, ऐसा कौन सा टर्म है? तो डिफेमेशन, उसको हम बोलेंगे डिफेमेशन। किसी की से हार्ड क्रिटिसिज्म करना बोलते हैं ना, तो वो डिफेमेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 82, लिटरेरी म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ। यानी यूथ के दौरान कोई वर्क प्रोड्यूस किया जाता ऑथर के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जुवेनिलिया। जुवेनिलिया माने, जुवेनाइल माने होता है किशोर, है ना, कम उम्र का, जैसे यंग मैन होता है ना एकदम, उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल। सो उसी से ये बन गया जुवेनिलिया। क्वेश्चन नंबर 83, अ लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट दैट ऑफन डील्स विद टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड रोमेंस। ऐसी लिरिकल नैरेटिव पोएम जो कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है और हमेशा डील करती है, टेल्स बताती है एडवेंचर एंड रोमेंस की, सो इट इज़ कॉल्ड ले। क्वेश्चन नंबर 44, अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस वर्स। एक पॉपुलर फॉर्म शॉर्ट ह्यूम, वो शॉर्ट है ना, एक ऐसी फॉर्म जो शॉर्ट है, ह्यूमरस है, और वो अक्सर क्या है, नॉन सेंसिकल है, यानी कोई मीनिंगलेस है। फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स। ये कंसिस्ट होती है 5 लाइन्स में, राइमिंग इसकी ये है, एंड द डोमिनेंट मीटर इज एनापेस्टिक, जिसका डोमिनेंट मीटर होता है एनापेस्टिक, विद 2 मेट्रिकल फीट इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स, जिसमें 2 मेट्रिकल फीट होते हैं थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में, एंड 3 फीट इन द अदर्स। तो क्या है ये? सो ये लिमरेक होता है, लिमरेक पोएम है ये। क्वेश्चन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ए टाइप ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग पोइट्री सिंगिंग एंड डांसिंग। यानी कि एक थिएटर एंटरटेनमेंट का टाइप जिसमें इंक्लूड होता है पोएट्री सिंगिंग एंड डांसिंग, परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी, जो कि 16th सेंचुरी में परफॉर्म की जाती थी इंग्लैंड में, स्पेशली एज ए रॉयल कोर्ट, द ऑफिशियल होम ऑफ ए किंग और क्वीन। उसको क्या कहा जाता था? सो ए इज राइट हेयर, उसको कहा जाता था मास्क। क्वेश्चन नंबर 86, अ स्टोरी प्ले और फिल्म इन विच ए लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स हैपन। एंड इन विच पीपल इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर देन इन रियल लाइफ, जिसमें लोगों के इमोशंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं रियल लाइफ से ज़्यादा, तो ये क्या होगा? मेलोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 86, द यूज ऑफ मूमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी एंड द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल अ स्टोरी एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग। यानी बिना बोले संकेतों के माध्यम से हाथ पैर मुंह को हिलाकर कोई कहानी बताई जा रही है, उसको क्या कहा जाता है? उसको माइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, ए पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व एंड कैन नॉट अवॉइड। ऐसा पनिशमेंट जो किसी को दिया जा रहा है और वो उसके लिए डिजर्व कर रहा है, सच रेट्रीब्यूशन पनिशमेंट फॉर क्राइम, है ना, पनिशमेंट फॉर क्राइम इज ब्रॉट अबाउट बाय द गॉडेस ऑफ रेमोनस। ये जो कि ये एक गॉड है रेमोनस, उनके द्वारा ये दिया जाता है, तो ऐसी पनिशमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर,
ये है सी वाला हो जाएगा, नेमेसिस। ये एक तरह का पनिशमेंट है जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसके लिए वो डिजर्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्ले ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस। यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी जो ग्रीक प्ले में होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड होता था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90, द एक्ट ऑफ कमिंग अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन, कोई नए वर्ड, कोई कॉइनिंग ऑफ एक न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में किसी नए वर्ड का और नए वर्ड का कोई मतलब कॉइन किया जाता है या एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? उसको हम न्यू लॉगिज्म कहते हैं। जैसे कोई नया वर्ड कॉइन किया गया उसको न्यू लॉगिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, यानी कि कौन सी एज में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TGT 13 में भी आया है। मिल्टन हो गए थे 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे इन, और सन थी 1652। क्वेश्चन नंबर 92, हु बिगेन इज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ सुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस लाइन के साथ शुरू करता है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है जिन्होंने ये मिल्टन को डेडिकेट की है ये सोनेट। क्वेश्चन नंबर 93, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पैराडाइज जो लॉस्ट है वो कितनी बुक्स में समाहित है? तो ये बुक्स हैं 12, 12 बुक में ये समाहित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया, TGT 3 में, PGT में भी, TGT में भी आया है, कई बार ये आया है। तो 12 बुक्स में है ये पब्लिश, ये 10 बुक में हुई थी, जब ये पब्लिश हुई थी 1667 में, तो केम इन इन 10 बुक्स। लेकिन ये 1674 में इसका जो सेकेंड एडिशन आया वो 12 बुक में आया। क्वेश्चन नंबर 94, होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियाल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, किसको सन ऑफ बेलियन कहते हैं मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में? तो वो कोट राइटर्स को कहते हैं, बी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 95, द डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, किसकी ऑर्थोडॉक्सिटी की कास्ट करती है ये द डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना? तो ये सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, पैराडाइज रीगेंट। क्वेश्चन नंबर 96, द एज ऑफ मिल्टन एंड थ्री काइंड ऑफ पोइट, यानी मिल्टन की एज, मिल्टन का जो टाइम पीरियड था उसमें थ्री काइंड्स ऑफ पोइट्स हमें देखने को मिलते हैं, तीन प्रकार के पोइट्सों को हम देखते हैं उस दौरान। तो वो कौन कौन से टाइप थे? तो वो टाइप थे, एक तो मेटाफिजिकल पोइट, ये भी 17वीं सेंचुरी के दौरान मिलते हैं। एक थे, नहीं नहीं सॉरी, डी वाला ये बी होगा सही, ये है मेटाफिजिकल पोइट, कैवेलियर पोइट एंड प्यूरिटन पोइट। तो जिसमें से प्यूरिटन तो खुद मिल्टन ही थे, कैवेलियर पोइट वो जो चार्ल्स वन के दरबार में रहते थे और उनको कोर्ट राइटर भी बोलते हैं, और मेटाफिजिकल तो वो पता ही है जॉन डन और इनके एक दो और इनके साथ थे दो चार लोग, इनको इनके ग्रुप को मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ वॉइस, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, किसने कहा है मिल्टन को? सो ये थे टैनिसन, ये टैनिसन ने उनको कहा है। क्वेश्चन नंबर 98, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड ए नोबल एंड पुशियंट नेशन, पुशियंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, ये किसने कहा है? सो ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स जॉन मिल्टन का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हु सैड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट, मतलब ट्रम्पेट बन गई है मिल्टन, मिल्टन के हाथ में सोनेट, ये किसने कहा है? तो ये वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, वर्ड्सवर्थ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 100, गार्ल्सवर्थी वॉज बॉर्न ऑन, गार्ल्सवर्थी कब बॉर्न हुए थे? तो ये हुए थे हमारे 14 अगस्त को 1867 को, ठीक है, 15 अगस्त से एक दिन पहले, इस तरीके से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 101, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, वेदर इज
अच्छा यहाँ ये ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ना, इन्हें ध्यान से देख लो। आई डाउट वेदर, तो ये वेदर क्या है ये बताना है आपको। तो वेदर इज प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, कंजेक्शन है या एडवर्ब क्या है? तो ये कंजेक्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 102, शी ऑफन गोज टू द सिनेमा। इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस जो ऑफन वर्ड है ना ये बताना है आपको। द ऑफन वर्ड इज़, ये आया हुआ है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफन है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑफन। क्वेश्चन नंबर 103, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव। इसमें आपको करेक्ट इन्फिनिटिव लगाना है ना। देयर इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ डैश है, इसमें आपको इन्फिनिटिव रखना है। तो इसमें से जो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है वो डी वाला ही है ना। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू होता है, टू प्लस वी वन को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे वैन रीचिंग, रीचिंग फोर, रीचिंग टू, ये कोई इन्फिनिटिव नहीं है, ये है इन्फिनिटिव हमारा डी वाला, तो यहाँ पर ये ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 104, यहाँ पर भी यही करना है, करेक्ट इन्फिनिटिव लगाना है आपको, करेक्ट इन्फिनिटिव लगाना है क्वेश्चन 104 में। इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर, सिनर के लिए क्या डिफ़िकल्ट होता है, टू प्रे। तो ये बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, टू प्रे, ये है ना इन्फिनिटिव है, टू प्लस वी वन। क्वेश्चन नंबर 105, 10 pounds मनी, तो यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है, क्या आएगा यहाँ पे, 10 pounds इज़ ए लॉट ऑफ मनी, ये आ जाएगा यहाँ पे, इज ए लॉट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 106, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, है ना। तो यहाँ पर आएगा वर्ब फिल करनी है आपको, तो यहाँ हैज हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, हैज अ फाइन कलेक्शन, उसके पास अच्छा कलेक्शन है पोस्टेज स्टैम्प का। क्वेश्चन नंबर 107, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का तब क्या करता। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, है ना। जब वर्स वाला होता है तो यहाँ पर क्या आता है, वुड आता है और वी वन, ये हेल्प, वी वन, वुड के बाद वी वन आती है। क्वेश्चन नंबर 108, एक एक कॉन्टेजियस डिसीज विच स्प्रेड ओवर ए ह्यूज एरिया, यहाँ पे ह्यूज एरिया होगा है ना, एक ऐसा मतलब कॉन्टीजियस मतलब बहुत खतरनाक डिसीज़ जो फैल जाता है बहुत सारे ह्यूज एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, ऐसे डिसीज़ को हम एपिडेमिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, अ डिसीजन टेकन बाई द कंसेंट ऑफ ऑल, ऐसा डिसीजन जो सबकी सहमति से, सबकी कंसेंट से लिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, यूनानिमस बोलेंगे, एक मत हो गए सब इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 110, ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, ये बार बार आया क्वेश्चन कि एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं, विदाउट एनी, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर क्या है, विदाउट तैयार करे हुए बोलता है वो, एक बहुत अच्छा वक्ता हमारा होता है, ऑरेटर मीन्स होता है वक्ता, सुसाइड मीन्स सेल्फ किलिंग। क्वेश्चन नंबर आपका डायरेक्शन है 111 से 115, रीड रीड द पैसेज, रीड द पैसेज फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको ये पैसेज जो है रीड करना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पैसेज है, इसको आप रीड कर सकते हैं, और फिर इसमें से आपको क्या करना है, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सीन एबव। तो राइट, तो इसमें से ऑप्शन देख के आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेने, इसका इसका सार समझ लीजिए कि क्या है। 5 questions पूछे गए इस पैसेज की, ठीक है। जैसे ह्यूमन ऑब्लिगेशन डू नॉट इंक्लूड, यानी ह्यूमन ऑब्लिगेशन किस में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ये बताना है आपको, ए बी सी डी इसमें से कोई एक। तो बस वो तो आप तब इसको पढ़ लेंगे पूरा पैसेज को, तो अपने आप ही आंसर दे देंगे इसकी, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, सभी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से देखिए डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 116 से 120, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ 116 से 120 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं जिसमें से एक गलत है, बाकी तीन जो हैं सही हैं, तो आपको गलत वाला टिक करना है, ठीक है।
तो पहला देखते हैं, वन वन हु इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक आर्ट एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट यानी कि कोई किसी भी चीज़ में शौकीन है, मतलब वर्स में, म्यूज़िक में, सब में कुशल है, होशियार है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कन्नोइज़र कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोलें तो पारखी, हिंदी में बोल दिया इसको, पारखी होता है ये। क्वेश्चन नंबर बी, वन नोज़ एवरी थिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं ओमनीसियंट यानी सर्वज्ञानी, हिंदी में हम उसको बोलते हैं सर्वज्ञानी। क्वेश्चन नंबर सी, वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, यहाँ पर यही गलत है, ये वाला गलत है, वो पॉलीगॉट होता है जो सारी लैंग्वेज जानता है ना, पॉलीगॉट। एक डी है यहाँ पर, ये वाला भी सही है, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एन अदर कंट्री, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है, तो एमिग्रेंट, एमिग्रेंट बोलते हैं उसको, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है। अब 17 देखिए, इसमें भी चार ऑप्शन है जिसमें से तीन ठीक हैं और एक गलत है, तो वन ए वाला देखो, वन हु लैंड्स मनी एट हाई रेट यानी वो जो बहुत ज़्यादा मनी खाता है, जो सूदखोर होता है, यूज़र, यूज़रर इसको कहते हैं, अब सूदखोर या जमाखोरी, रिश्वत लेता है वो। क्वेश्चन बी है, वन हु लिव्स ऑन फ्लेस कार्निवोरस, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है वो कहता है उसे सर्वहारी, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वहारी, और ये सब कुछ खाने वाला होता है ना, तो ये दोनों ही सही हैं। अब नेक्स्ट है, वन हु लिव्स डिपेंड्स ऑन अदर पैरासाइट्स, तो ये गलत है क्योंकि पैरासाइट होता है जो दूसरे इंसानों पर निर्भर होता है ना, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, पैराडाइज नहीं बोलते, तो आपका यही गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। वन वुड लुक्स एट द साइट ऑफ थिंग्स ऑप्टिमिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति, है ना, आशावादी होता है वो, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, है ना, तो वो लिंग्विस्टिक इसलिए गलत हो गया था, वो दो लैंग्वेज मतलब इससे रिलेटेड है, और ये है ना मैनी लैंग्वेज से पॉलीगॉट रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर ये सही है, पॉलीगॉट जो मैनी लैंग्वेज जानता है वो पॉलीगॉट होता है। वन हु स्पीक्स थ्रू पपेट्स वेंटिलोकिस उसको बोलते हैं जो, है ना। सी है, वन हु स्टडी स्किन एंड इट्स डिसीज डर्मेटोलॉजी, तो ये गलत है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट होता है यहाँ पर, तो ये सही हो जाता है आपका, डी वाला सही है, वन हु स्टडीज फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ जियोलॉजिस्ट बोलेंगे उसको, जो धरती का अध्ययन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर भी वही है, चार चार दे रखे हैं, वन वर्ड इनमें से एक सही है, वो सॉरी तीन सही हैं एक गलत है, तो वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली लगातार बात करता है वो लोकसियस होता है। दूसरा है, वन हु टोटली एब्सटेंट फ्रॉम एल्कोहल, जो एल्कोहल से दूर रहता है उसको हम कहते हैं टीटोटोलर, टीटोटेलर, ये बहुत ज़्यादा आता है। और डी वाला है, वन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस उसको लेफ्ट इनरेंट कहते हैं, बस ये गलत है, उसको लेफ्ट इनरेंट नहीं कहते हैं, उसको इटिनरेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन हु ट्रीट फीमेल प्रॉब्लम्स, जो फीमेल्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट हो जाएगा। वी है, वन हु ट्राइज टू ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल परंपराओं को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही। वन हु वांट टू सी अदर अनहैप्पी, जो दूसरों को दुखी देखना चाहता है ये उसको क्या कहते हैं? सैडिस्ट, ये भी सही है, तो आपका ये फिर गलत हो जाएगा। वन हु वर्क इन रिटर्न ऑफ बींग टॉट द ट्रेड, तो डिसर्नेबल, ये गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 121 से 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन, इसमें भी क्या एक एक्सप्रेशन गलत है, जो गलत है इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, तो इसमें से ये दे रखे हैं, ये तीनों आपके सही हैं, ये मॉडस विवेंडी है ना, द वे ऑफ रनिंग, ये गलत है आपका, यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, मोनिजर मीन्स मिस्टर होता है ना, ये लैटिन वर्ड है, विदेशी भाषा में लिखे हुए हैं जैसे ग्रीक और लैटिन भाषा में, जिनका इंग्लिश मीनिंग बताना, तो मोनिजर होता है मिस्टर, और ये भी सही है, ये सारे जो हैं सही हैं, बस डी वाला गलत है इसमें, नॉम नॉम दे जनरे यानी सीडो सीडोनी फॉर्म, ये वाला जो है गलत है।
अब डायरेक्शन देखिए, 123 से 125, फाइंड द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रोवर्ब। अब यहाँ पे प्रोवर्ब दे रखी है जिसमें से एक कोई गलत है वो आपको बतानी है। वन स्केप्ड शीप मार्स द होल फ्लॉक, ये सही है। यहाँ पर देखिए, वन स्वेलो डज नॉट मेक ए स्प्रिंग, ये कोई प्रोवर्ब नहीं होती है। वन स्वेलो डज नॉट, ये कोई प्रोवर्ब नहीं होती, ये गलत है। सी वाला सही है, ये सी सही है। वन टूडे इज वर्थ टू टुमारो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाजा खटखटाती है, ठीक है, ये सही है। अब क्वेश्चन 124, इसमें भी चार प्रोवर्ब हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन नंबर 125 में भी चार हैं, तो इसमें ये तीनों सही हैं। अब अ स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, है ना, ये बिल्कुल सही है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये भी सही है। जो साइट से आउट हो जाता है वो माइंड से भी आउट हो जाता है। पार्डन ऑल मैन बट नॉट हिमसेल्फ, ये गलत है। डी वाला भी सही है, पैनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, पुवर्टी इज नो सिन, ये सही है। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये भी सही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन मेडिसन, प्राइज गोज बिफोर ए फॉल, है ना, तो ये भी सही है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन मेडिसन, देन मेडिसन नहीं होता। आप बताइए क्या होता है, लिखकर मुझे कमेंट में, सबको पता होगा ये, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है। तो ये थे 125 क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से कंप्लीट हो गए, और हमारा इसके साथ ही पेपर 6 जो था प्रैक्टिस, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।